नमस्कार, आपसे आप तक में आपका स्वागत है। हम लोग आए हैं यहाँ जानने के लिए कि बिहार के सुशासन के विकास की रोशनी कहाँ तक पहुँची है। अभी यहाँ देख रहे हैं कि चारों तरफ में सो गंदगी का माहौल है, झाड़ू नहीं लगाया गया है। आप इधर देखेंगे कि गाय भी कैंपस के अंदर में है, सो चर रही है, और कुछ छात्र जो गैलरी से खड़े हैं वे देख रहे हैं हम लोगों को, और हम लोग चलेंगे उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह की सुविधाएं यहाँ उनको मिलती है। क्या नाम है आपका? नाम आकर्ष। आकर्ष सुबह किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम यहाँ पटना कॉलेज बीएमसी थर्ड ईयर में पढ़ते हैं। मास कम्युनिकेशन के छात्र जी, यहाँ किस तरह की सुविधाएं मिलती है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 5 साल बाद हॉस्टल अलॉट हुआ है, इसकी वजह से अभी काफी अच्छी चीजें हैं जो अभी अवेलेबल नहीं करा पा रहा है कॉलेज हमारा जी। अभी एक हफ्ते से है सो कुछ लोग आना शुरू किया। आप सब लोग मास कम्युनिकेशन के ही छात्र हैं? नहीं, हम मास कम्युनिकेशन के। आप मास कॉम के हैं? और आप? हम हिस्ट्री थर्ड ईयर के छात्र। क्या नाम हुआ? मेरा अनुप कुमार नाम है, पटना कॉलेज से। सेशन समाप्त होने वाले थे, हम 4 महीने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ का जो व्यवस्था है इतना गंदा कि 4 महीने भी रहना बड़ा मुश्किल है। कितने छात्र रहते हैं यहाँ पर? इस बार तो मात्र 13 छात्रों को अलाउड हुआ, लेकिन और बहुत सारे कमरे हम देख रहे हैं कि अभी भी खाली है। हाँ, खाली है। ये प्रशासन की ही ये दुर्गतिपूर्ण रवैया है। अच्छा, रात में आपको मच्छर नहीं काटता होगा? यहाँ इतना गंदगी है, ये है। यहाँ तो हम अपने आपसे पहले ही कह दिया कि यहाँ जो हम लोग 4 महीने के लिए अभी थर्ड ईयर में है, तो 4 महीने किसी एग्जाम तक रहना है, लेकिन उस 4 महीने तक भी रहने लगी यहाँ व्यवस्था नहीं। आप लोग पत्रकारिता के छात्र हैं, तो क्या आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो समस्या है उसके लिए आवाज उठाते रहना चाहिए? एकदम बिल्कुल उठा रही है। हमारा छात्रों का काम ही यही है कि हम लोग अपने को पूरी कोशिश करते हैं, और जहाँ तक बात होती है यहाँ की समस्याओं की, उसके लिए हम लोग ने वीसी को, प्रिंसिपल को, जिसको भी हम लोग को इन्फॉर्म करना चाहिए उसको हम लोग इन्फॉर्म किए हैं। हम लोग अपने एप्लीकेशन भी दिए हैं, जो जो कमियाँ हैं, जो भी दिक्कत परेशानी, जैसे कि यहाँ का मोटर का जला हुआ है, साफ सफाई। आप दिखा सकते हैं कि मोटर कहाँ जला हुआ है या शौचालय की क्या स्थिति है इसके बारे में? देख सकते हैं, पानी नहीं आता, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप देखेंगे कि ये यहाँ का बाथरूम है, नहाने का ये है, इसको अभी कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। नल का पाइप लगा हुआ है लेकिन वहाँ पानी आने का कोई साधन नहीं है। ये चीजें आप खुल के देख सकते हैं, और इसलिए यह इस्तेमाल में नहीं है। छात्रों ने बताया कि वे लोग सामान्य वर्ग से आते हैं। शौचालय की स्थिति आप देखेंगे कितनी गंदी है, यहाँ साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। पता नहीं सफाई करने के लिए किसी कर्मी की नियुक्ति हुई है कि नहीं है, इसको भी हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। सभी शौचालय गंदे हैं और यहाँ पर कोई सफाई की व्यवस्था हमको नहीं दिखाई दे रही है। आप इसको भी देखेंगे, ये भी है सो कितना गंदा है, और यहाँ मतलब बैठ के यूज करने के लायक नहीं है। यूरिनल लगा हुआ है, यूरिनल का किसी का पाइप उठा हुआ है, किसी का पाइप छोटा है, और यूरिनल ऐसे ही यूरिन है सो चारों तरफ बहता रहता है। तो इस तरह की खराब परिस्थिति है सो यहाँ आने के बाद देखने को मिली। छात्रों ने बताया कि किसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि इनको यहाँ काफी पीड़ा है, काफी परेशानी है। रात को मच्छर काटते हैं, ये मच्छरदानी लगा कर उसमें बैठ के पढ़ते हैं। कुछ पत्रकारिता के छात्र हैं, कुछ इतिहास के छात्र हैं, और इन सब लोगों ने है सो यहाँ पर लड़ाई लड़के जगह तो हासिल कर लिया है। अब देखना है कि यहाँ की सुशासन की सरकार इनके लिए क्या व्यवस्था कर पाती है ताकि यह यहाँ के हॉस्टल का नाम रोशन कर सके, बिहार का नाम रोशन कर सके। हमने जब से इस चैनल को शुरू किया है तब से किसी सेलिब्रिटी या नेता या किसी पदाधिकारी का इंटरव्यू नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया कि हम चाहते थे कि सवाल इन बोल मेरे हो लेकिन सवाल इनके हो। जब सवाल हमारे पास होगा हम उन पदाधिकारियों के पास भी जाएंगे, उनसे भी सवाल पूछेंगे, और पूछेंगे कि इन समस्याओं के निदान के लिए उन्होंने अभी तक क्या किया और आगे क्या करने वाले हैं। कांग्रेस के विद्यालय पटना विश्वविद्यालय के प्रभारी रह चुके हैं, लेकिन हमने उसे मेरी आवाज वहां तक भी नहीं सुना जा रहा था, तो हमने उस पार्टी को छोड़ा। इन्होंने बताया कि तमाम जो राजनीतिक स्थापित संगठन हैं उन लोगों ने भी इनकी आवाज प्रॉपर तरीके से नहीं सुनी, इस कारण से आज ये यहाँ पर गुजारा किसी तरह से करने पर मजबूर है। लेकिन हम प्रयास जरूर करेंगे आपकी बातों को वहां तक पहुंचाने का, और उनको कहेंगे कि कैमरे के सामने वे जवाब दें कि इस पर वे क्या समाधान चाहते हैं, इसका हम बहुत प्रयास करेंगे। अभी पेंट का डब्बा भी रखा हुआ है, सब कुछ है, उसके सफाई की व्यवस्था नहीं की गई है। छात्र इसी में रहते हैं। ये एक कमरा है, यहाँ एक कमरा है, और लाइट वगैरह जलता है कहीं यहाँ जो पेपर लाइट लगा हुआ है? चार में से दो जलती है जी, दो जलते सब बंद है।
अच्छा आप लोग को फर्नीचर नहीं मिला है इसी तरीके से आप लोग रहने के लिए नहीं है वाला मिला है उसको ठोक पीट के टाइट किए हैं वो आप खुद से ठोके हैं थोड़ा सा बताइएगा ये छात्रों के लिए अलमीरा है बाहर से देखने पर यह हॉस्टल काफी बड़ा और मतलब बेहतरीन लग रहा था नया नया पेंट किया गया है तमाम व्यवस्थाएं दिखाई दे रही थी लेकिन जैसे ही हम लोग अंदर आए इसके अंदर में प्रवेश किया हमने देखा कि यहाँ पर कई तरह की समस्याएं हैं छात्रों ने हम लोग के साथ समस्याओं को साझा किया हम लोगों ने यहाँ की तस्वीर को आप लोग के आप लोग को अपने दर्शकों को दिखाया और बताया कि यहाँ किस तरह की व्यवस्था है और आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन पदाधिकारियों तक और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें ताकि छात्र अगर जगेगा छात्र पढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा।